حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد دلاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جس کے دل میں اللہ کا اور آخرت کا یقین ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے اہل بنگال کی تین خصوصیات پوری دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہیں مختلف ملکوں میں جہاں بنگال والوں کی بڑی آبادیاں ہیں وہاں اس عاجز نے اپنے کانوں سے ان تین خصوصیات کا بار بار تذکرہ سنا ہے ایک اس قوم کی دینداری دوسری شرافت اور تیسری مہمان نوازی بنگلہ دیش میں تو مہمان نوازی کا ہم نے خود تجربہ کیا ہے مختلف ملکوں میں سابقہ پڑتا ہے آپ کے برادران سے اور یہ خوبیاں ان کے اندر نظر آتی ہیں بہت دیر سے جلسے کے منتظمین آپ سے بار بار درخواست کر رہے تھے کہ آپ تھوڑی سی قربانی دیں اور دی بھی ہے قربانی اب اخیر میں آپ کا یہ مہمان آپ سے درخواست کر رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات سایہ چھوڑ دیں دھوپ میں آ جائیں اور آپ کی جو آئیں میں ایک آدھ منٹ آپ انتظار کر لیتا ہوں بار بار کوئی بات کہنے کی میری عادت نہیں ہے اور درمیان میں مجمع میں کوئی صاحب شور بھی نہ کرے یہ حضرات خود ہی اٹھ کر آ جائیں گے انشاءاللہ آ جائیں تشریف لے آئیں پھر بات شروع کریں گے انشاءاللہ بس جو لوگ پورے طور پر اردو کا مفہوم نہ سمجھتے ہوں کوئی صاحب ان کو آہستہ سے بنگلہ میں بتلا دیا لیکن شور بالکل نہ کریں جزاکم اللہ خیرا جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیں بس کریں جو لوگ نہیں آ رہے ان کا کوئی عذر ہوگا کافی اب تھوڑی دیر کے لیے توجہ کے ساتھ بات سنیں بات اللہ کی ہوگی
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। कहने वाले की हैसियत सिर्फ तर्जमान और डाकिए की है। दिल में उस अल्लाह की अजमत रहे जिसकी बात आप तक पहुंचाई जा रही है, और अल्लाह करे कि ये बात खुद कहने वाले के दिल में भी उतरे और सुनने वालों के दिलों में भी उतरे। बात इसीलिए कही जाती है ताकि दिल तक पहुंचे, और सबसे करीब खुद कहने वाले का अपना दिल होता है। जो बात उसके दिल तक न पहुंच सके वो सामेईन के दिलों तक भी नहीं पहुंच सकती। बनी इसराइल की यही बीमारी थी कि वो बातें करते थे और वो बातें खुद उनके अपने दिलों में नहीं उतरती थी। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अतअमुरूना अन्नास बिलबिर व तनसौना अन्फुसकुम व अंतुम तत्लूनल किताब। तुम अल्लाह की किताब इस तरह पढ़ते हो, तुम अल्लाह की बातें इस तरह करते हो कि उन बातों से खुद तुम्हारे दिल मुतासिर नहीं होते, तो फिर दूसरों पर क्या असर होगा? अपने आप को भूल जाते हो और दूसरों को भलाइयों का हुक्म देते हो। तो अल्लाह करे कि हमारा अपना दिल भी मुतासिर हो और सबका दिल मुतासिर, जिंदगियां बदलें। मेरे दोस्तों, ये मदारिस सिर्फ इसलिए नहीं कायम किए जाते कि कुछ इमारत हो जाए, कुछ तलबा जमा हो जाए, कुछ असातिज़ा पढ़ाने के लिए आ जाए और कुछ लोगों के लिए उनकी ज़रूरियात का इंतज़ाम हो जाए। ये मदारिस इसलिए कायम किए जाते हैं ताकि दिलों में अल्लाह की किताब की रोशनी आ जाए और वो रोशनी दिलों से निकलकर पूरे जिस्म पर छा जाए और जिस्मों से निकलकर पूरे माहौल की जुल्मत और तारीकी को दूर कर दे। अल्लाह करे कि इस गांव की भी तारीकी दूर हो, पूरे इलाके की तारीकी दूर हो। जिस तरह अल्लाह ताला ने दिन और रात का निज़ाम बनाया है, इसी तरह अल्लाह ताला ने दिलों का भी हाल अलग अलग बनाया है। बाज़ दिलों में रात की तरह तारीकी होती है, बाज़ दिलों में दिन से ज़्यादा उजाला होता है। गुमराहों के दिल रात से ज़्यादा तारीख होते हैं और हिदायत याफ्ता अफराद के दिल दिन से ज़्यादा रोशन होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक दुआएं हैं वो इस उम्मत के लिए तरबियत का बेमिसाल सामान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह बहुत सारी दुआएं मांगी, सैयदना इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की एक बहुत तवील दुआ नकल फरमाई है, जिसमें आखिर में ये जुमले हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से रोशनी मांगते थे और ये दरख्वास्त करते थे कि अल्लाह मेरी कब्र को रोशन, ए अल्लाह मेरी कब्र को रोशन कर दीजिए और मेरे दिल को रोशन कर दीजिए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के आए अगले जुमलों से ये तफसील बतलाई कि दिल की रोशनी किस तरह फैलती है, किस तरह बढ़ती है। रोशनी हमेशा दायरे की शक्ल में फैलती है। रोशनी का फैलाव इस तरह होता है कि मरकज से दाईं जानिब जितनी दूर जाती है, बाईं जानिब भी इतनी दूर जाती है, आगे जितनी दूर तक जाती है पीछे भी इतनी दूर तक जाती है। रोशनी हमेशा दायरा बनाती है और उसका फैलाव दायरे के फैलाव की शक्ल में होता है। तो कल्ब से जब ये रोशनी फैलती है तो पूरे जिस्म में पहुँचती है, हाथों में पहुँचती है, पैरों में पहुँचती है, सर में पहुँचती है, पैर में पहुँचती है, रग रग रेशा रेशा रोशन हो जाता है, बाल भी रोशन हो जाते हैं, खाल भी रोशन हो जाती है, हड्डियां भी रोशन हो जाती हैं। इन सब का नाम ले लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी,
اللهم اجعل في لحمي نورا وفي عظمي نورا وفي شعري نورا وفي جلدي نورا وفي عيني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا. الگ الگ جملے الگ الگ الفاظ مختلف روایتوں میں آئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کیا کہ یہ روشنی جسم سے باہر نکلتی ہے. اللہم اجعل عن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا. چاروں طرف سے ایک دائرہ بنتا ہے. ایسے روشن دل اگر بہت سارے ہیں تو پورے علاقے کی ظلمت ختم ہوتی ہے. اگر کہیں گوشت سڑ رہا ہو تو اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں نا. تو علاج یہ نہیں ہے کہ ایک ایک کیڑے کو انجیکشن کے ذریعے مارا جائے. علاج یہ ہے کہ گوشت کو ایسا ماحول مہیا کر دیا جائے جس میں وہ سڑنے نہ پائے. اس کو اٹھا کر فریج میں رکھ دیجئے, اس کو اٹھا کر فریزر میں رکھ دیجئے, سڑے گا تو کیڑے پڑے گا. ہم فتنوں کے نتائج کا علاج کرنا چاہتے ہیں اور کامیاب نہیں ہو پاتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنوں کے اسباب کا علاج سکھایا. فتنوں کا سبب ہوتا ہے اللہ سے دوری, فتنوں کا سبب ہوتا ہے دنوں کی تاریکی. جب دل تاریک ہوتے ہیں تو زندگی میں گناہ ہوتے ہیں, نافرمانیاں ہوتی ہیں, اور پھر جو نتائج ہمیں نظر آتے ہیں وہ سڑے ہوئے ماحول میں پیدا ہونے والے کیڑے ہوتے ہیں. ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ ماحول کو بدلا جائے. یہ مدارس, یہ مکاتب, یہ خانقاہیں, یہ دعوت و تبلیغ کی محنت, یہ سب کچھ اسی لیے ہے تاکہ ماحول بدلے. جب ماحول بدلتا ہے, ظلمتیں چاک ہوتی ہیں, روشنی کا دائرہ وسیع ہوتا ہے, پورا پورا علاقہ روشن ہوتا ہے, پورا ماحول روشن ہوتا ہے, تو فتنے اس طرح غائب ہو جاتے ہیں جیسے سورج نکلنے کے بعد اندھیرا غائب ہو جاتا ہے. فجر سے پہلے تو یہاں اندھیرا تھا نا, رات میں یہاں تاریکی تھی, اور گہری اندھیری راتوں میں تو چلنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس روشنی کے لیے الگ سے تو کوئی انتظام نہیں کرنا پڑا. حافظ آفتاب صاحب نے کوئی لائٹیں نہیں لگائی ہیں, ٹیوب لائٹ نہیں لگائے ہیں, سرچ لائٹیں نہیں لگائی ہیں. اللہ نے سورج نکالا, سارا اندھیرا غائب ہو گیا. جس طرح سورج کے نکلنے سے اندھیرا غائب ہو جاتا ہے, اسی طرح دلوں کے روشن ہونے سے فتنے غائب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ رشد و ہدایت کے اس مرکز کی حفاظت فرمائے اور ایسے بہت سارے مراکز قائم فرمائے اور ان کی روشنی کو پورے عالم میں پھیلائے. جب دل بگڑتے ہیں تو زندگیاں گناہوں سے پر ہو جاتی ہیں, اور گناہوں کا انجام اچھا نہیں ہے. گناہوں کا انجام نہایت خطرناک ہے. گناہوں کا انجام اللہ کا عذاب ہے, اللہ کی سزا ہے. گنہگاروں کا ٹھکانہ جہنم ہے, جنت نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے انسان بنائے ہیں, اچھے انسان اور برے انسان, جانوروں میں یہ تقسیم نہیں ہوتی. اچھے پرندے, برے پرندے, با اخلاق پرندے, بد اخلاق پرندے, با کردار پرندے, بد کردار پرندے, جانوروں میں یہ تقسیم نہیں ہوتی. یہ تقسیم صرف انسانوں میں ہوتی ہے. اخلاقی حس اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسانوں میں پیدا فرمائی ہے, اس لیے کہ اللہ نے انسانوں کو حالت امتحان میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دونوں قسم کی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فالہمہا فجورہا وتقواہا. نفس انسانی کو اللہ نے ایسا ڈیزائن کیا ہے, نفس انسانی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر دونوں قسم کی صلاحیتیں ہیں. وہ برائی کرنا چاہے تو اس کے لیے برائی کرنا آسان ہے, وہ بھلا بننا چاہے تو اس کے لیے بھلا بننا آسان ہے. قد افلح من زکاہا
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, اب یہ انسان پر موقوف ہے, وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اپنے نفس کو پاک و صاف بنائے, وہ ناکام ہونا چاہتا ہے تو اپنے نفس کو گندگی میں چھوڑ دے. جس طرح زمین کو باغ و بہار بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, کھنڈر بنانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی, صرف زمین چھوڑ دی جائے وہاں جھاڑیاں اگ جائیں گے, وہاں کیڑے مکوڑے پیدا ہو جائیں گے. اسی طرح نفس کو پاکیزہ بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اسے گندا کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی, اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے وہ خود بخود گندگی میں پڑا رہتا ہے, لتڑتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جہنم کے لیے نہیں پیدا کیا ہے, اللہ نے انسانوں کو جنت کے لیے پیدا کیا, لیکن اللہ جنت انسانوں کو انعام کے طور پر دینا چاہتا ہے, اور انعام اسی کو ملتا ہے جو اپنے اختیار سے کوئی کام کرے. ابھی آپ کمپیوٹر میں تلاوت شروع کر دیں اور وہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پورا قرآن سنا دے تو آپ کے دل میں خیال آتا ہے انعام دینے کا؟ اسے کوئی انعام دیتے؟ اگر آپ کوئی ریکارڈ لگا دیں اور وہ بہت اچھی عربی میں, انگریزی میں, اردو میں, بنگلہ میں, یا دنیا کی کسی بھی زبان میں گفتگو سنا دے, تقریر سنا دے, تو آپ اس ریکارڈر کو, اس موبائل کو کوئی انعام دیتے؟ اور ایک بچے نے اردو میں تقریر کی, ایک بچے نے انگریزی میں تقریر کی, ایک بچی نے انگریزی میں تقریر کی, ایک بچے نے عربی میں تقریر کی, آپ کتنے خوش ہوئے, بعض حضرات نے انعامات بھی دیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان بچوں نے محنت کی ہے. جو اپنی محنت سے کوئی کام کرتا ہے, جو اپنے اختیار سے کوئی کام کرتا ہے, اسی کو انعام دیا جاتا ہے. اور انعام کے لیے سزا ضروری ہے. جہاں انعام ہو وہاں سزا کا ہونا بھی ضروری ہے. کوئی اسکول اس لیے قائم کیا جاتا ہے تاکہ بچوں کو فیل کیا جائے, پاس کرنے کے لیے اسکول قائم کیا جاتا ہے, لیکن جو بچے محنت نہ کریں, نہ پڑھیں, ان کو فیل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ محنت کرنے والوں کے ساتھ انصاف ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جہنم کے لیے نہیں بنایا, اللہ نے انسانوں کو جنت کے لیے بنایا, لیکن انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ جہنم بھی بنائے. اللہ انسانوں کو انعام دینا چاہتے ہیں, لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کا کہنا نہ مانے, جو اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے, جو منمانی زندگی گزارے, جو اپنے رب کی نافرمانی کرے, کھائیں اللہ کا دیا ہوا, پئیں اللہ کا پیدا کیا ہوا پانی, پہنے اللہ کے بنائے ہوئے کپڑے, رہیں اللہ کے دیے ہوئے مکانات میں, اور زندگی گزارے شیطان کی مرضی کے مطابق, اور اپنے نفس کا کہنا مانے اور منمانی زندگی گزارے, تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو سزا بھی دی جائے. اس لیے اللہ نے محض انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لیے جہنم بنائی ہے. اس لیے اللہ جہنم میں بڑی مشکل سے کسی کو ڈالتے ہیں اور جنت میں بہانے بہانے سے پہنچاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بہانوں سے اللہ مغفرت فرماتے ہیں, معمولی معمولی بہانوں سے اللہ جنت میں پہنچاتے ہیں. چھوٹی سی نیکی کا اللہ 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں, اور بڑے سے بڑے گناہ کا اللہ صرف گناہ کے برابر سزا دیتے ہیں, 2 گنا بھی سزا نہیں دیتے. من جاء بالحسنت فله عشر امثالها, جو نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بدلہ عطا فرماتے ہیں. اور یہ قانون عام نیکیوں کے تعلق سے ہے. آپ نماز پڑھی, روزہ رکھا, حج کیا, کسی سے اخلاق و محبت کا سلوک کیا, لیکن یہ جو آپ حضرات مسجدوں پر خرچ کرتے ہیں, مدرسوں پر خرچ کرتے ہیں, یتیموں, مسکینوں, بیواؤں پر خرچ کرتے ہیں, بیماروں پر خرچ کرتے ہیں, طلبہ کی تعلیم مکمل کرانے کے لیے خرچ کرتے ہیں, ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں, کہیں کوئی آفت آ گئی, کہیں کوئی مصیبت آ گئی, آپ ریلیف میں تعاون کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا اس کے لیے ہمارا قانون الگ ہے, اس پر ہم 10 گنا نہیں دیتے, اس پر ہم کم از کم
700 गुना देते हैं। मसल الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء। कि जो लोग अल्लाह की रजा के लिए अपना पैसा खर्च करते हैं, अपना माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स ने जमीन में एक दाना बो दिया और उससे एक पौधा निकला। उस पौधे में 7 बालियां हैं और हर हर बाली में 100-100 दाने हैं, तो उस एक दाने से 700 दाने पैदा हुए। और अल्लाह ने फरमाया यहां से तो हम उसका हिसाब शुरू करते हैं, यहां से तो हम खाता खोलते हैं। يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ और जिसके लिए अल्लाह चाहते हैं इसको 2 गुना कर देते हैं, 700 के बजाय 1400 गुना देते हैं, और चाहते हैं तो और 2 गुना कर देते हैं। उलमा जानते हैं कि मुदाअफा में मुबालगा है, ये बाब मुफालत है और बाब मुफालत की एक खसूसियत है मुबालगा। अल्लाह जिसके लिए चाहते हैं बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। मुबालगे की यही माना है किसी चीज को बढ़ाना, तो अल्लाह जिसके लिए चाहते हैं बढ़ाते जाते हैं। और अल्लाह के लिए यूँ नहीं, अल्लाह के यहाँ यूँ नहीं बढ़ाया जाता कि 700 से 800, 900 नहीं, 7 को 14, 14 को 28, 28 को 64, इस तरह जितनी मिकदार हो गई उसका डबल, फिर जितनी मिकदार हो गई फिर उसका डबल, फिर जितनी मिकदार हो गई फिर उसका डबल। मजमे में कोई कहेगा इतना देंगे तो अल्लाह का खजाना खत्म हो जाएगा, अल्लाह फरमाते हैं खजाने तुम्हारे खत्म होते हैं, अल्लाह के नहीं खत्म होते। मा इंदकुम यनफदु वमा इंदल्लाहि बाक, तुम्हारे खजाने खत्म होते हैं, अल्लाह का खजाना कभी नहीं खत्म होता। तो अल्लाह आप किस बुनियाद पर बढ़ाते हैं? वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है। अल्लाह 10 साल तक मुसलसल बढ़ाते रहे तब भी अल्लाह के खजाने खत्म नहीं होंगे। और अल्लाह दिलों का हाल जानते हैं, दिल में अल्लाह की जितनी मोहब्बत होती है, दिल में जितना इखलास होता है इतना बढ़ाते हैं। ऐसे बहाने होते हैं अल्लाह की मगफरत के, हत्ता की जिंदगी भर का गुनहगार, जिंदगी भर का काफिर और मुशरिक, सारी जिंदगी जुल्म करने वाला, सारी जिंदगी ज्यादतियां करने वाला, सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी करने वाला, अखीर उम्र में एक मर्तबा आंसू बहाकर हाथ उठाकर नादिम और शर्मिंदा हो, बोलना मुश्किल है, सुनना मुश्किल है, मुश्किल है, तो वो बेचारा कितनी नेकियां करेगा, जवानों की तरह करेगा। अल्लाह कहते हैं अगर वो अपनी तौबा में सच्चा है तो हम उसकी पूरी जिंदगी के गुनाहों को नेकी बता दें। الذين تابوا واصلحوا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات। कोई बात भी अंदाजे से नहीं कही जाती, हर बात अल्लाह की किताब में मौजूद है। मा फरतना फिल किताबी मिन शय, हिदायत के ताल्लुक से कोई बात ऐसी नहीं है जिसको अल्लाह ने छोड़ दिया हो। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा, जिसने तौबा की, दिल का हाल बदल गया, उसके दिल में कामिल ईमान आ गया और बची हुई जिंदगी को उसने बिल्कुल ठीक कर लिया। अब बची हुई जिंदगी में वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता, कोई गुनाह नहीं करता। فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, तो अल्लाह ताला उसकी पिछली जिंदगी के गुनाहों को नेकियों से बदल देते हैं। कोई कहेगा अल्लाह क्यों बदल देते हैं, माफ कर दिया ये बहुत है। अल्लाह फरमाते हैं हम सिर्फ माफ करते हैं, हम सिर्फ गफूर हैं, हम रहीम भी तो हैं। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा। तो मोमन, कुरान पाक में किसी मज़मून के इख्तिताम पर जिन सिफात का तज़किरा होता है उन सिफात में उस मज़मून के अंदर पैदा होने वाले सवालात का जवाब होता है कि अल्लाह की सिफत सिर्फ माफ करना नहीं है, उससे आगे बढ़कर अल्लाह की सिफत है रहम करना, मेहरबानी करना। तो उसने तौबा की, हमने कबूल कर
तो हमें माफ करने वाले, लेकिन हम मेहरबान भी हैं, इसलिए हम उसके सारे गुनाहों को माफ कर देंगे और गुनाहों को नेकी बदल बना देंगे। इसलिए मेरे दोस्तों आज ये पूरा मजमा नियत कर ले इंशाल्लाह, अब हम अल्लाह से सच्ची आन के नूर से रोशन करेंगे, अपने घरों तक भी कुरान का नूर लाएंगे। घर में रोशनी कैसे आती है, बल्ब लगाने से आती है या किसी के घर में बल्ब देखकर आ जाने से आ जाती है? मस्जिद में बल्ब लगा हुआ था, उसको देख लिया तो घर गए तो रोशनी आ जाएगी। एक बल्ब घर में भी लगाना पड़ेगा और कनेक्शन भी लेना पड़ेगा। तो कुरान का हाफिज, कुरान का आलिम आपको इंशाल्लाह अपने घर में भी रोशनी आएगी, सबकी जिंदगी बदलेंगी। लेकिन ये तय करें कि हम अपने हर बच्चे को कुरान जरूर पढ़ाएंगे, दीन की तालीम। कोई एक बच्चा भी महरूम लो, मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप सिर्फ एक बच्चे को हाफिज बना दें, आप एक एक बच्चे को हाफिज भी बनाएं, लेकिन आप अपने हर बच्चे को दीनी तालीम जरूर दें। इसलिए कि मरना हर बच्चे को है, बड़ों को भी मरना है, छोटों को भी मरना है, सबको अल्लाह के पास जाना है, सबको जिंदगी का हिसाब देना है। जिस तरह आप कमा कर लाते हैं तो सिर्फ एक बच्चे को नहीं खिलाते, सबको खिलाते हैं ना, इसलिए कि खुराक सबकी जरूरत है, सबको पिलाते हैं, पानी सबकी जरूरत है, कपड़े सबके बनाते हैं, लिबास सबकी जरूरत है, मकान सबके लिए बनाते हैं। इसी तरह ईमान सबकी जरूरत है, जन्नत सबकी जरूरत है, मगफरत सबकी जरूरत है। आज कारी साहब ने जलसे के आगाज में जिन आयात करीमा की तिलावत, वो आयात जिस सूरत की इब्तिदाई आयात है, उस सूरत का एक नाम है अल गाफिर और एक नाम है अल मोमिन। बड़ी मुनासिबत है दोनों नामों में। अल गाफिर के माना है माफ करने वाला। अल्लाह ताला ने इसमें अपनी सिफत मगफरत का तज़किरा फरमाया है। और अल मोमिन के माना है ईमान वाला। से मालूम होता है अल्लाह माफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त है माफी उसे मिलेगी जिसके दिल में ईमान हो। ईमान होगा तो माफी मिलेगी, ईमान नहीं होगा तो माफी नहीं मिलेगी। चाहे वो बज़ाहिर जितना अच्छा हो, जितना बाअख़लाक़ हो, जितनी इंसानों की खिदमत करता हो, लेकिन अल्लाह की माफ़ी नहीं मिलेगी। अल्लाह की माफ़ी पाने के लिए ईमान ज़रूरी है। और अल्लाह मायूसियों को दूर करते हैं, अल्लाह दिलों में उम्मीदों के चिराग रोशन करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इंसानों की मायूसियाँ दूर की हैं। ये न देखो कि हमसे गुनाह कितने हो चुके, चाहे तुम्हारे गुनाह इतने हो जाएं कि जमीन और आसमान के दरमियान का जो खला है ये पुर हो जाए, चाहे तुम्हारे गुनाह इतने हो जाएं कि समंदर में इतना झाग भी ना हो। जब आंख खुले तब सवेरा है, जैसे ही बात समझ में आ जाए बस फौरन तौबा कर लो, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर। अल्लाह करे कि आज ही आंख खुल जाए। भाई एक मेहरबानी करें, जो लोग बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं, और नहीं खामोश हो सकते तो यहां से चले जाएं। तीसरी बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसका भी खतरा है। अगर इन दोनों बातों को नहीं माना तो फिर तीसरी बात का खतरा है, जिसको मैं अपनी जबान से नहीं कहूंगा, समझदार खुद समझ जाए। या तो खामोश हो जाए, नहीं खामोश हो सकते, कोई जरूरी बात करना है तो यहां से तशरीफ ले। मेरे दोस्तों चाहे गुनाह हो, सच्ची तौबा करने पर अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ करते। आज अल्लाह हम सबको सच्ची पक्की तौबा नसीब फरमा दे। दीन की बातों में हुज्जत कौन लोग करते हैं, दीन की बातों का इनकार कौन लोग करते हैं? इसी सूरत में अल्लाह ताला ने बतलाया वही लोग करते हैं जिनके बीमार होते हैं। दिल की बीमारी का नाम है कुफ्र और फिस्क। जैसे दुनिया में बाज़ बीमारियां छोटी होती हैं, बाज़ बड़ी होती हैं।
बात खतरनाक होती है लेकिन अमूमन जानलेवा नहीं होती, तकलीफ दे बहुत होती है। जिनको खुजली होती है उनसे कितनी तकलीफ होती है, लेकिन खुजली जानलेवा बीमारी नहीं समझी जाती, कैंसर जानलेवा बीमारी समझी जाती है। जिस तरह जिस्मानी बीमारियों के अलग अलग दर्जात होते हैं, इसी तरह दिल की बीमारियों के भी अलग अलग दर्जात होते हैं। खतरनाक बीमारी है फिस्क, लेकिन वो जानलेवा नहीं है, जानलेवा बीमारी है कुफ्र। लेकिन इसका डर होता है कि कहीं फिस्क कुफर में ना बदल जाए, कहीं ये बीमारी जानलेवा ना हो जाए। दिल की जो जानलेवा बीमारी होती है वो ईमान लेवा बीमारी होती है, जो ईमान को खा जाती है। जिस तरह जिस्मानी बीमारी जिंदगी को खा जाती है, दिल की बीमारी ईमान को खा जाती है। तो अल्लाह ने फरमाया, दीन की बात सुनने के बाद बहाने बनाना, हुज्जत करना, बहस व मुबाहसा करना, यह दिल के बीमार होने की निशानी है। और दिल की बीमारी जिस्म की बीमारी से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। अल्लाह ऐसी बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमाए। फिर आगे अल्लाह ताला ने बतलाया कि जिन लोगों के दिल बीमार थे और उन्होंने अम्बियाए किराम अलैहिस्सलाम से बहस व मुबाहसे किए, हुज्जतें की, कुछ दिनों के लिए अल्लाह ताला ने उनको बहुत छूट दी, लेकिन उसके बाद उनका क्या अंजाम हुआ देख लो, तारीख को उठाकर दुनिया के हालात पे एक नजर डाल लो और माजी के आईने में मुस्तकबिल को समझ लो। जो उन लोगों का हाल हुआ जिन्होंने अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की मुखालफत की थी, अगर तौबा नसीब नहीं हुई तो उनका भी वही हाल होगा जो आज मुखालफत कर रहे हैं। वक्ती तौर पर अल्लाह ताला ने अगर लोगों को ढील दी हुई है, वो दंदनाते फिर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, वो शानदार सवारियों में उड़ रहे हैं और फिर रहे हैं, वो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, उनकी बजाहिर बड़ी इज्जत हो रही है, तो उससे धोखा न खाओ। क्या मिस्र के फिरौन के पास ताकत नहीं थी? क्या उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में नहीं कहा था, अलैसली मुल्कु मिस्र वहादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती, देखो मेरे पास तो मिस्र की हुकूमत है, देखो मेरे हुकूमत में कितना शानदार पानी का निज़ाम है, कितना शानदार खेती बाड़ी का निज़ाम है। लेकिन अंजाम क्या हुआ? बहर कुलजुम से अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को हिफाजत से पार कराया और उसी समंदर में फिरौन को डुबा डुबा कर मारा। जब डूबने लगा तो उसने कहा, आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनू इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन, मैं भी उस अल्लाह को मान रहा हूँ जिसको बनी इसराइल मानते हैं, मैं भी कलमा पढ़ रहा हूँ। सैयदना जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, उसके मुंह में खाक फूसी और फरमाया, आल आन वक़द आसैत क़ब्ल व कुंत मिनल मुफ्सिदीन, अब तेरा कलमा कबूल नहीं किया जाएगा। फिर अल्लाह ने फरमाया, तेरे सारे फौजी तो मछलियों की खुराक बनेंगे, तुझे मैं समंदर से बाहर निकालूं ताकि तू बात वालों के लिए इबरत का नमूना बन जाए। फलियम जी कभी बदनी कली तकून लिमन खल्फ का आया, तेरे बदन को मैं बाहर निकालूंगा, उसको महफूज रखूंगा ताकि तू बाद वालों के लिए निशानी बने। सदियां गुजर गई थी, किसी को पता नहीं था फिरौन का। फिर उसकी लाश दरियाफ्त हो गई, काहिरा के अजायब घर में रखी हुई, देखने वाले देखते। फ्रांस के एक बड़े सर्जन थे डॉक्टर मोरिस बुकाइले, बड़े इस्लाम दुश्मन थे, उनके पास बड़े बड़े सुदूर वजरा और मुल्कों के शहनशाह आते थे अपने इलाज के लिए। और अगर वो मुस्लिम ममालिक से आए होते थे, मुसलमान होते थे, तो वो उनको ईसाइयत की दावत देते थे, और अगर ईसाई न बना सके तो कम से कम उनके दिल में इस्लाम की तरफ से शकूक व शुबहात तो पैदा कर देते। इस्लाम कबूल करने के बाद वही डॉक्टर मोरिस बुकाइले, अल्लाह ने उनको हिदायत दी, उन्होंने किताब लिखी है बाइबल कुरान और साइंस, फ्रांसीसी जबान में लिखी, फिर उसका अंग्रेजी में तर्जमा हुआ, फिर अरबी में भी तर्जमा हुआ, फिर उर्दू में भी तर्जमा हुआ। हमारे पड़ोस के मुल्क के कोई साहब हैं जिन्होंने उर्दू में तर्जमा किया। कई वाकयात पेश आए जो उनके इस्लाम का सबब बने, उनमें से एक अहम वाकया ये भी है
कि जब फिरौन की लाश में कुछ फफूंद लगने लगी और उसको इलाज के लिए फ्रांस लेकर गए, तो उस लाश का इलाज करने वाली टीम में डॉक्टर मोरिस भी थे। ये कहते हैं जब हमने उसका पोस्टमार्टम किया तो हमें उसके फेफड़ों के अंदर से समंदर का नमक मिला। लाश तो खुशकी कोई बाद में कब्र में दफन कर दिया होगा लोगों ने, ये डूबा कैसे, समंदर में कैसे पहुंचा? और बाइबल में फिरौन के डूबने का कहीं तज़किरा नहीं है। फिरौन डूब कर मरा है, इसका तज़किरा सिर्फ कुरान पाक। वो कहते हैं मैं सोच में पड़ गया, अगर बाइबल में इसका तज़किरा होता तो मैं ये सोच सकता था कि शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ईसाई या यहूदी आलिम से सुन लिया होगा फिरौन डूब कर मरा, उन्होंने कुरान में कह दिया। वो लोग यही समझते हैं कि कुरान नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने मिस्र कभी देखा नहीं, जिनका ज़माना फिरौन के ज़माने से बहुत बाद का है, और जो अरब से कभी बाहर नहीं निकले, जिन्होंने समंदर का कभी कोई सफर नहीं किया, जिनका अहले किताब के किसी बड़े आलिम से कोई, जिनकी कोई मुलाकात, कोई तफसीली मुलाकात साबित नहीं है, उनको ये कैसे पता चला कि फिरौन समंदर में डूब कर मरा था? और वो शख्स खुद जायजा ले रहा है कि उसके जिस्म के अंदर समंदर का नमक है। वो कहता है मेरा दिल मजबूर हो गया ये मानने पर कि कुरान अल्लाह की किताब है, मोहम्मद की किताब नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और भी एक वाकया पेश आया जिसके बाद उन्होंने कलमा पढ़ा, बाकायदा मुसलमान। तो क्या फिरौन के पास हुकूमत नहीं थी? कौम आज जिनको अल्लाह ताला ने पटक पटक कर मारा था और खत्म कर दिया था, क्या उनके पास ताकत और कुव्वत नहीं थी? क्या उन्होंने ये दावा नहीं किया था मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा पावरफुल कौन है, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? इसलिए कुरान कहता है फला यगरूर का तकल्लुबहुम फिल बिलाद, आज हमने नाफरमानों को जो मौके दिए हुए और वो शहरों शहरों और मुल्कों मुल्कों में दंदनाते फिर रहे, इससे धोखा न खाना। अल्लाह का ना फरमान हमेशा नाकाम होता है, चाहे वो बंगलों में और महलों में रहता हो, और अल्लाह का फरमाबरदार हमेशा कामयाब होता है, चाहे वो झोपड़ों में और खेमों में रहता हो। ये किताब अल्लाह की उतारी हुई है, ये किसी इंसान की बात नहीं है। हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम, ये किताब अल्लाह ने उतारी है। और किस तरह उतारी है अल्लाह ने? एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया वइन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन वइन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन। इत्तिसाल सनद बयान फरमाया है परवरदिगार आलम। हमने अपने उस्ताद से पढ़ा, उन्होंने अपने उस्ताद से पढ़ा, उन्होंने अपने उस्ताद से पढ़ा, ये सनद पहुंचती है सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। आगे ये सनद अल्लाह ताला तक कैसे पहुंचती है? खुद अल्लाह ने जिक्र फरमाया, फरमाया मैंने ये किताब पढ़कर सुनाई जिब्रील अमीन को, जिब्रील अमीन ने जो मुझसे सुना, जिस तरह सुना, वैसे ही पढ़कर सुनाया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर उतारा। हजरत जिब्रील जब सुनाते थे तो हुजूर का दिल सुनता था या कान सुनता था? क्यों, मेरी बातें आपका दिल सुन रहा है या कान सुन रहे हैं? कान सुन रहे हैं ना, लेकिन कुरान कह रहा है कान के रास्ते से असल में दिल सुनता है। अगर दिल ने सुना तो फायदा होता है, दिल ने नहीं सुना तो फायदा नहीं होता। कुरान सिर्फ कान से सुनने की चीज नहीं है, कुरान दिल से सुनने की चीज है। और कुरान सिर्फ जबान से पढ़ने की किताब नहीं है, कुरान दिल से पढ़ने की किताब है। कुरान का मकाम दिल है وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قلبك। ये रब्बुल आलमीन की का उतारा हुआ कलाम है जिसको अर्रूहुल अमीन लेकर आए हैं और उन्होंने आपके दिल पर उतारा है। क्यों उतारा है दिल पर? सिर्फ इसलिए नहीं कि आप पढ़ लें, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप समझ लें, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अमल कर लें। पढ़ना भी मकसद,
मकसूद है, समझना भी मकसूद है, अमल करना भी मकसूद है, लेकिन उसके आगे का एक काम है वो भी मतलूब है। लितकूना मिनल मुनज़िरीन, ताकि आप बड़ी मोहब्बत के साथ, बहुत प्यार के साथ उन लोगों को समझाएं जो अपना नुकसान कर रहे हैं, जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जो अपने रब की शुक्री कर रहे हैं, जो अपना अंजाम बिगाड़ रहे हैं, कि तुम अपने साथ भला नहीं कर रहे, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसका अंजाम अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें जो रास्ता बतला रहा हूं उसका अंजाम अच्छा है। आप रोड पर सफर कर रहे हो और आपको नजर आए किसी की गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है, तो आपका दिल चाहता है जल्दी से इसको बतला दे। अगर आप सवारी पर हैं तो आप अपनी सवारी की रफ्तार तेज कर लेते हैं, अगर उसके ग्लास बंद हैं तो आप हाथ से इशारा करते हैं कि पीछे दरवाजा खुला हुआ है। क्यों? आपको डर है, हो सकता है कोई टेक लगाए और दरवाजा पूरा खुल जाए और ये गिर जाए। आपको इसकी कोई परवाह नहीं होती कि इस शख्स का मजहब क्या है, इसकी जबान क्या है, इसका रंग कौन सा है, इसका खानदान कौन सा। इंसान है, हमारा भाई है, इसलिए हम इसको खतरे से बचा लें। सवारी से गिर जाने के खतरे का जितना यकीन है, हमें जहन्नम के खतरे का इतना भी यकीन नहीं रह गया, वरना हर इंसान जो जहन्नम की तरफ जा रहा है उसको देख करके हमारा दिल उससे ज्यादा तड़प जाए जितना हमारा दिल तड़पता है किसी की गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ देख कर, जितना हमारा दिल तड़पता है किसी बीमार को देखकर। किसी बीमार को देखकर तरस आता है या नहीं आता? वो हमारा हम मजहब हो या ना हो, वो हमारे खानदान का हो या ना हो, वो हमारी बहन जानता हो या ना जानता हो, सिर्फ इतना रिश्ता काफी है कि वो इंसान है, हमारे बाप हजरत आदम की औलाद है, हमारी माँ हजरत हव्वा की औलाद है, और हर इंसान चूंकि हजरत आदम और हजरत हव्वा की औलाद है, इसलिए हर इंसान हमारा खानदानी रिश्तेदार है, हमारा खूनी रिश्तेदार है। या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुउबन व कबाइल लितअारफू। इंसानों, हमने तो तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, ये खानदान, ये कबीले, ये कौमें तो सिर्फ तुम्हारी पहचान के। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान इसलिए उतारा गया, लितकून मिनल मुनज़िरीन, ताकि आप नाफरमानों को उनके बुरे अंजाम से डरा दें। अब आप कहेंगे अल्लाह ताला ने पैदा किया इंसानों को जन्नत के लिए, और यहां तज़किरा सिर्फ नाफरमानों का हुआ है, बुरे अंजाम का तज़किरा हो रहा है, अच्छे अंजाम का क्यों तज़किरा नहीं हुआ? हुजूर सिर्फ नज़ीर तो नहीं है, बशीर भी है। हमेशा याद रखिए, जो बात खिलाफ तवक्को हो, ज़रा सहाफ़ी हजरात तवज्जो दें, जो बात खिलाफ तवक्को हो वही न्यूज़ बनती है। ये पूरा जलसा हो जाए इसमें कोई झगड़ा ना हो, कल अखबार में आएगा, नहीं होना चाहिए ना झगड़ा, ऐसी सुकून और इत्मीनान से जलसा होना चाहिए। तो झगड़ा नहीं हुआ ये न्यूज़ नहीं है, खुदा ना खास्ता झगड़ा हो गया ये न्यूज़ है। तो इंसान नेक बना ये न्यूज नहीं है, इंसान नाफरमान बना ये न्यूज है, इसलिए कि इंसान नाफरमान बनने के लिए नहीं पैदा हुआ, इंसान फरमाबरदार बनने के लिए पैदा हुआ। ये सब लोग दो पैरों पर चलकर आए हैं, आपने किसी को गौर से देखा? खुदा ना खास्ता एक आदमी लंगड़ाता हुआ है, सारा मजमा उसे देखने लगेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने चलने के लिए दो पैर बनाए हैं, जो लंगड़ा रहा है वो खिलाफ फितरत चल रहा है। इसी तरह अल्लाह ने इंसान को नेकी और तकवे के लिए पैदा किया है, जो नाफरमानी कर रहा है वो खिलाफ फितरत काम कर रहा है। इसलिए हमेशा खिलाफ फितरत काम की तरफ तवज्जो होती है, खिलाफ फितरत काम का पहले तज़किरा होता है। तो जो लोग खिलाफ फितरत काम कर रहे हैं, जो नबी की बात मान रहे हैं, जो अल्लाह की बात मान रहे हैं, जो जन्नत के रास्ते पर चल रहे हैं, वो ऐन फितरत के मुताबिक काम कर रहे हैं। इसीलिए जब इंसान पैदा होता है तो उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं होता। अगर उससे अच्छा माहौल मिले तो वो नेक बनेगा, मुत्तकी बनेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिहि औ युनस्सिरानिहि। माहौल बिगाड़ता है वरना हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, माहौल उस पर असरअंदाज होता है, माहौल उसे किसी और रास्ते पर लगा देता है। तो अल्लाह ने फरमाया, लितकून मिनल मुनज़िरीन, ये कुरान इसलिए उतरा है कि अगर कोई खिलाफ फितरत काम कर रहा है तो उसको मोहब्बत के साथ समझाएं। क्यों? 10 गाड़ियां आपके बराबर से निकल जाती हैं, उनके दरवाजे बंद हैं, तो आप अपनी स्पीड नहीं बढ़ाते, सिर्फ उसी गाड़ी के लिए आप अपनी स्पीड क्यों बढ़ाते हैं जिसका दरवाजा खुला हुआ है? सिर्फ उसी गाड़ी के लिए आप अपनी स्पीड क्यों बढ़ाते हैं जिसका पहिया पंचर हो गया है? उसको जल्दी से बतलाना चाहते हो, देखो खतरा है, तुम्हारे पहिये में हवा बहुत कम होती जा रही है, कहीं फट ना जाए, कहीं कोई हादसा ना पेश आ जाए।
بلسان عربی مبین, اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی مبین میں اس لیے اتارا ہے, نہایت فصیح و بلیغ عربی زبان میں اس لیے اتارا ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ دنیا کی کسی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ قیامت تک باقی رہے اور قیامت تک قرآن کو اپنے دامن میں سمیٹ کر رکھے ہے اور زندہ زبان کی طرح باقی رہے. صرف زندہ زبان کی حیثیت سے عربی باقی رہنے والی چیز تھی, اللہ تعالیٰ نے عربی میں قرآن کو اتارا. ساری دنیا کی زبانوں میں ترجمہ ہوتا رہے گا, زبانیں بدلتی رہیں گی. ہم سب اردو بولنے والے ہیں, ہمارے پاس اردو کا جو سب سے قدیم ترجمہ ہے وہ دہلی کا حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے. جس زمانے میں شاہ صاحب نے ترجمہ کیا تھا وہ اس زمانے کی نہایت فصیح اور بلیغ زبان تھی, لیکن آج اس ترجمے کا سمجھنا آسان نہیں ہے. کتنی مرتبہ اور کس قدر اردو بدل چکی, لیکن عربی نہیں بدلی نا. اس لیے نیا مترجم پھر سے ترجمہ کر لے گا, پھر نیا مترجم پھر سے ترجمہ کر لے گا. اصل زبان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا ہے. جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کا اعلان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, تو اللہ نے قرآن کی زبان کی حفاظت کا بھی فیصلہ فرما دیا, زبان بولنے والوں کی حفاظت کا بھی فیصلہ فرما دیا. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عربوں کے مجمع میں اسی آیت کو پڑھ کر کے یہ کہا تھا کہ عربوں میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اس آیت میں صرف قرآن کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے, زبان کتاب کی حفاظت زبان کے ہو سکتی اور زبان کی حفاظت زبان بولنے والوں کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس آیت میں تمہاری زبان کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے, تمہاری حفاظت کا بھی وعدہ ہے. یہ حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیوں کی ہے؟ تاکہ ہمارے لیے دین ہمیشہ محفوظ رہے, قابل استفادہ رہے. کتنے ادیان و کتنے مذاہب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہم سے پہلے دیے, وہ سب دین اسلام کے الگ الگ ایڈیشن تھے. لکل امت جعلنا منہجا, ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار بنایا تھا. یہ وہ آیت ہے جو شاید ابتدا میں کسی طالب علم نے پڑھی تھی, لیکن آج وہ قابل استفادہ نہیں رہ گئے. اس لیے کہ اللہ کا کلام جس زبان میں آیا تھا وہ زبان بھی باقی نہیں رہ گئی, جو کتابیں اللہ کے پاس سے آئی تھیں وہ کتابیں بھی باقی نہیں رہ گئی, جن انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا تھا ان کی زندگیاں محفوظ نہیں رہ گئیں, ان کی سیرتیں محفوظ نہیں رہ گئیں. اور یہی اللہ کی منشا تھی, اللہ یہ چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ محفوظ نہ رہے, لیکن اللہ یہ چاہتے تھے کہ اب اسلام کا یہ آخری ایڈیشن, دین کا یہ آخری ایڈیشن جس کو اللہ نے الاسلام کا نام دیا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, یہ آخری ایڈیشن قیامت تک باقی رہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا کہ اللہ کی کتاب بھی محفوظ رہے, جس زبان میں یہ کتاب اتری ہے وہ زبان بھی محفوظ رہے, اس زبان کو بولنے والے بھی محفوظ رہے, اس زبان کا پورا ماحول بھی محفوظ رہے, وہ زبان انہی محاورات کے ساتھ بولی جائے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ, آپ کی مبارک زندگی بھی محفوظ رہے, تاکہ ہر شخص کے لیے دین پر چلنا, دین پر عمل کرنا اور اپنے مستقبل کو سنوارنا آسان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے جو بہت غالب ہے, بہت پاورفل ہے, بہت طاقتور ہے, بڑا صاحب اقتدار ہے, اس سے بچ کر کوئی نہیں جا سکتا. اللہ کے حلم کو انسان اپنی نادانی سے اللہ کا عجز سمجھ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ جو کرنا ہے اس کے لیے آخری حد تک مواقع مل جائے, انسان اس کو اللہ کی کمزوری سمجھ لیتا ہے. اللہ کمزور نہیں ہے, لیکن اللہ حلیم ہے, اللہ برداشت کرتے ہیں. اور چونکہ دنیا دار الامتحان ہے اس لیے اللہ تعالیٰ مواقع دیتے ہیں, تو اگر گناہ کرنے پر فوراً تمہاری پکڑ نہیں ہو رہی, اگر نافرمانی کرنے پر فوراً سزا نہیں مل رہی, تو اس کو اللہ کی کمزوری مت سمجھو. اللہ عزیز ہے, اللہ بہت غالب ہے, اللہ بہت طاقتور ہے, اور اللہ العلیم ہے. وہ صرف تمہاری زبان سے کہی ہوئی باتوں کو نہیں جانتے, وہ تمہارے دل کے اندر کے خیالات کو بھی جانتے ہیں. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم به اللہ,
زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے, تم اپنے خیالات کا زبان سے اظہار کرو یا ان کو دل کے اندر چھپا کر کے رکھو, اللہ ان سب کا تم سے حساب لیں گے. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ, پھر اللہ جس کو چاہیں گے اسے معاف کر دیں گے, جس کو چاہیں گے اس کو سزا دیں گے. تو اللہ العزیز ہے, الغفور العلیم ہے, اللہ بہت غالب ہے, سب کچھ جاننے والے. ڈر جانا چاہیے ان جملوں کو سن کر, جو ان جملوں کا مفہوم سمجھتا ہو یا کم از کم جب اس کی زبان میں بتلا دیا جائے اور وہ سمجھ جائے اس کا تو حال خراب ہو جائے گا. اللہ کو سب کچھ معلوم ہے, اب تک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سزا نہیں دی اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا. اللہ کہتے ہیں اچھا ڈر گئے, چلو توبہ کر لو, ہم معاف کر دیتے. غافر الذنب, اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں. وقابل التوب, توبہ کو قبول کرتے ہیں. لیکن ڈھٹائی کرنے والوں کو چھوڑتے نہیں ہیں, جو اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں پھر اللہ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتے. شدید العقاب, اللہ کی سزا بھی بہت سخت ہے. ذوالطول, اللہ بہت طاقتور ہے, کوئی بچ کر نہیں جا سکتا. بڑا سے بڑا پہلوان, بڑا سے بڑا صاحب اقتدار اور بڑا سے بڑا مالدار اور دولت مند, بڑا سے بڑا سیاسی لیڈر, کوئی بھی اللہ کو کمزور نہیں کر سکتا, اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا, اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا. لا الہ الا ہو, وہ اکیلا معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الیہ المصیر, سب کو اسی کے پاس جانا ہے, اور کہیں نہیں جانا, سب کو اسی کے پاس جانا ہے. اس لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں. اب جو لوگ نہیں مانتے وہ اصل میں اللہ کی آیات کے مقابلے میں کٹ حجتی کرتے ہیں. تو اگر وہ کھلم کھلا انکار کرنے والے ہیں تب تو بالکل واضح ہے, اور اگر وہ زبان سے انکار نہیں کرتے تو ان کی یہ کٹ حجتی, ان کا یہ بحث و مباحثہ, ان کی بہانے بازیاں, یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ ان کا دل بیمار ہے. اور خطرہ اس کا ہے کہ کہیں یہ بیماری ایمان لیوا تو نہیں ہو گئی, کہیں یہ بیماری کفر کی حد تک تو نہیں پہنچ گئی. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا, اللہ کی آیات سننے کے بعد دامن بچانے کے لیے, اپنی منمانی زندگی پر باقی رہنے کے لیے, اپنے آپ کو نہ بدلنے کے لیے جو لوگ بہانے بازیاں کرتے ہیں اور بحث و مباحثہ کرتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر انکار چھپا ہوا ہے. فلا یغررک تقلبهم فی البلاد, تو پھر اگر ان کو دنیا میں مواقع حاصل ہیں اور وہ دندناتے پھر رہے ہیں تو اس سے کبھی دھوکہ نہ کھانا. کذبت قبلہم قوم نوح, ان سے پہلے بھی تو دنیا میں انسان تھے, سب سے پہلی قوم جس نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی, مذاق اڑایا, مارا پیٹا, بائیکاٹ کیا, ہر طرح کی مخالفت کی, ان پر ایمان لانے والوں کا جینا حرام کر دیا. ان کے پاس افراد بھی تھے, طاقت بھی تھی, قوت بھی تھی, ان کی حکومت بھی تھی, ان کے پاس تجارت بھی تھی, ان کے پاس زراعت بھی تھی, ان کے پاس کھیتی باڑی بھی تھی, لیکن کیا ان ساری چیزوں نے ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا لیا؟ والاحزاب من بعدهم, اور پھر قوم نوح کے بعد دوسری جماعتوں کو دیکھو. یہاں قرآن نے بڑے اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا ہے ان کا, حضرت نوح کی قوم پر کیسے عذاب آیا, سورہ ہود میں اللہ نے بہت تفصیل سے بیان کیا. دوسری قوموں پر کیسے عذاب آیا, سورۃ الشعراء میں, سورہ اعراف میں اور دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے پورے پورے رکوع میں تفصیل کے ساتھ بتلایا. وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ, ہر زمانے میں لوگوں نے یہ چاہا کہ کسی طرح پیغمبروں کی زبان بند کر دیں, ان کی آواز دبا دیں, ان کا بائیکاٹ کر دیں, ان کی بات نہ مانیں. وجادلوا بالحق وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق, اور ان سے غلط طریقوں سے بحث و مباحثہ کیا تاکہ وہ اپنے ان کرتوتوں سے, اپنے ان کارستانیوں سے حق کو مٹا دیں, حق کو دبا دیں. فاخذتهم, اخیر میں نتیجہ کیا نکلا, میں نے بہت دنوں تک ڈھیل دی, بہت دنوں تک مواقع دیے, پھر پکڑ لیا. اللہ اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم اس وقت ساری دنیا کی اصلاح نہیں کر سکتے,
लेकिन अपनी तो कर सकते हैं ना, इतना बड़ा मजमा अपनी इसलाह तो कर सकता है। अल्लाह करे हर एक की जिंदगियां बदल जाए, आज यहां से उठने के बाद दोबारा कोई गुनाह ना हो। नियत कीजिए, कहिए अब इंशाल्लाह गुनाह नहीं करेंगे। मैं जलसों का मुकर्रर नहीं हूँ, मैं इन हजरात से माजरत के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूँ। ये तो आप हजरात की मोहब्बत है कि शायद ये 2022 का पहला जलसा होगा जिसमें मैं हाजिर हूँ। मैं बिल्कुल जलसों का मुकर्रर नहीं, हम तो मस्जिद में बैठकर थोड़े से लोगों के साथ बस अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की बातें करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, ताजिर वहाँ जाता है जहाँ उसका माल बिकता है, जहाँ उसका माल नहीं बिकता उस बाज़ार में वो दोबारा नहीं जाता, चाहे जितनी भीड़ भाड़ हो। हमको तो वहीं जाने का दिल चाहता है जहाँ जिंदगियाँ बदलती नज़र आती, जहाँ दिलों का हाल बदलता हुआ नज़र आता है। अल्लाह करे कि जिंदगियाँ बदल जाए, दिलों की हालत तब्दील हो जाए, कुछ लेकर जाए। फकीफ कान इकाब, देख लो फिर मेरी सजा कैसे आई। हजरत नूह के कौम के निशानात ढूंढो, कश्ती को तो अल्लाह ताला ने महफूज रखा। मैंने आज नाज सुनी थी मेरे उस्ताज और मेरे शेख व मुरब्बी हजरत कारी सैयद सिद्दीक अहमद साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह, मुझे उनकी तदरीस और उनकी शफकतें याद आ रही थी जब वो नात पढ़ी जा रही थी। छोटा सा तालिब इल्म था मैं, और हजरत बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, तो कभी कभी हजरत से अजीब अजीब सवालात किया करते। एक दिन मैंने हजरत से कहा कि हजरत, मेरा दिल कहता है कि हजरत नूह की कश्ती किसी दिन ज़रूर मिलेगी। हजरत ने कहा बुनियाद क्या है? मैंने कहा हजरत बुनियाद कुरान का एक लफ्ज़ है। क्या लफ्ज़ है? मैंने सूरतुल कमर का ये जुमला उनको सुनाया, अल्लाह ताला ने जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का तज़किरा किया है, जी वलक़द तरकनाहा आयतन फ़हल मिन मुद्दकिर, ये जुमला काबिल गौर है। वलकत तरकनाहा आयतन, हमने उसको एक निशानी बना कर छोड़ दिया है, कोई है नसीहत हासिल करने वाला? तो हजरत ने फरमाया इससे कैसे मालूम हुआ कि वो महफूज है? मैंने कहा हजरत यही लफ्ज़ अल्लाह ने फिरौन के बारे में कहा था, फलयौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, कि हम तेरे बदन को बचा लेंगे ताकि तू अल आया बन जाए, तू निशानी बन जाए। और सदियां गुजर गई थी, किसी को मालूम नहीं था कि फिरौन की बॉडी क्या, फिर मिल गई। जो लफ्ज़ अल्लाह ने फिरौन के जिस्म के लिए इस्तेमाल किया था उसे आया कहा था, अल्लाह ने वही लफ्ज़ हजरत नूह की कश्ती के लिए इस्तेमाल किया है। इसलिए दिल कहता है वो कश्ती एक दिन मिलेगी ज़रूर इंशाल्लाह। जी मौलाना फरमा रहे हैं तहकीक हो गई, मिल गई। हाँ अभी तो खैर अंदाजे हैं, बिल्कुल 100% उसको तहकीक नहीं कह सकते, लेकिन बहुत करीब पहुंच रही है दुनिया। उस वक्त तो ऐसी कोई खबर नहीं आई थी। अल्लाह ताला हमारे हजरत के दर्जात बुलंद फरमाए। हजरत ने तो उठाकर सीने से लगा लिया और फरमाया हाँ तुम्हारी बात दिल को लगती है, बात समझ में आ रही। तो मेरे दोस्तों, वो कश्ती याद दिलाएगी दुनिया वालों को कि देखो तुम्हारे आबा और दाद वो थोड़े से लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने इस कश्ती में बचा लिया था, बाकी सब डूब कर ख़त्म हो गए थे इसलिए कि वो अल्लाह के नाफरमान थे, और उस वक्त उन्हीं की बड़ी तादाद थी। तो आज भी बड़ी तादाद वाले नहीं बच सकेंगे अगर अल्लाह की नाफरमानी नहीं छोड़ी। और अब हजरत नूह की किसी कश्ती की ज़रूरत नहीं है, हमारे पूरे मुल्क की कश्ती डूब रही है, सबको नजर आ रहा है कि कश्ती डूब रही है, और उसके जो खेवनहार हैं वही अपने हाथों से सुराख कर रहे हैं और डुबा रहे हैं। यही हुआ है हर जमाने में नाफरमान कौमों के साथ। तो अल्लाह फरमा रहे जाकर देखो, फकई फकाना इकाब, उन पर हमारा अजाब किस तरह आया है, इसी तरह अजाब आएगा नाफरमानों पर। अल्लाह हम सबकी हिफाजत, ये जो अल्लाह का दीन है ना, ये सफीना नजात, ये बचाओ की कश्ती है।
अल्लाह हमें इस कश्ती पर सवार हो जाने की तौफीक अता फरमाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था, या बुनैया कम माना वला तकुन माल काफिरीन, बेटे कश्ती पर आ जा, ना फरमानों के साथ मत जा। काला साबी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा, उसने कहा रे अब्बा जाने दो, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, पानी से बच जाऊंगा। काला ला आसिम अलयौम मिन अमरिल्लाह, ये अल्लाह का फैसला है, इससे कोई नहीं बच सकेगा। इल्ला मर रहीम, जिसे अल्लाह बचाएंगे वो बचेगा और कोई नहीं बचेगा, और अल्लाह उसे बचाएंगे जो मेरी कश्ती पर सवार हो जाए। आज भी अल्लाह का फैसला है, अल्लाह उसे बचाएंगे जो दीन की कश्ती पर सवार हो जाएगा, जो तकवे की कश्ती पर सवार हो जाएगा, जो तौबा की कश्ती पर सवार हो जाएगा। अल्लाह करे कि आज हम सब सवार हो जाए। وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ, जो अंजाम उन लोगों का हुआ था जिन्होंने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से बहस मुबाहसा किया था, अल्लाह के यहाँ यह तय है वही अंजाम उन लोगों का भी होगा जो इस ज़माने में अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, अपना भी नुकसान कर रहे हैं, अपनी कौम का भी नुकसान कर रहे हैं, पूरे पूरे मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। नाफरमान सिर्फ अपना नुकसान नहीं करता, नाफरमान जिस माहौल में रहता है पूरे माहौल का नुकसान करता है, जिस मुल्क का सरबराह बनता है उस पूरे मुल्क का नुकसान करता है, और ये नुकसान सिर्फ दुनिया में नहीं होता, आखरत का नुकसान हमेशा बाकी रहने वाला नुकसान है। अन्नहुम असहाबुन नार, अल्लाह ने ऐसे तमाम नाफरमानों के लिए फैसला कर दिया है कि उन्हें हमेशा हमेशा जहन्नम में रहना। अल्लाह ताला इस जहन्नम से मेरी भी हिफाजत फरमाए, आपकी भी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इन मदारिस की मकातिब की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, ये मदरसा आपका है, जैसे आप अपना घर खुद बनाते हैं, आप अपने बच्चों की शादी का कुछ खुद इंतज़ाम करते हैं, आप अपने बच्चों के इलाज मुआलजे का खुद इंतज़ाम करते हैं, अल्लाह ताला खूब खूब आपकी मदद फरमाए, खूब आपकी आमदनियों में बरकत अता फरमाए। ये मदरसा आपका है और आपके काम का है, आपकी नस्लों की हिफाजत के लिए है, आपके बच्चों को जहन्नम से बचाने के लिए है, आपको दुनिया और आखिरत की तकलीफों से बचाने के लिए है। इसलिए इंशाअल्लाह दूसरों की तरफ नजर उठाकर देखने से पहले इसे आपको बनाना है, फिर अल्लाह जिसको चाहेंगे उसको तौफीक दे, जिसको चाहेंगे उसको ताउन के लिए खड़ा करेंगे, लेकिन आप नियत करें मदरसा हमारा है, हमें बनाना है इंशाअल्लाह। कर रहे हैं ना सब लोग नियत, और अल्लाह करे कि सिर्फ इमारत न बने, मदरसा तो असल में दिलों के अंदर बनता है, उसकी रोशनी दिलों में पहुंचती है। जैसे पावर हाउस से किरण घरों में जाता है और फिर घर रोशन होते हैं, इसी तरह इन मदरसों से ईमानी नूर दिलों में जाता है और दिल रोशन होते हैं और उससे जिंदगियों का दुख दर्द खत्म होता है। अल्लाह करे कि हर दिल रोशन हो जाए, हर घर रोशन हो जाए, पूरे माहौल की जुल्मत और कसाफत खत्म हो। वआखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखें आप हजरात इसी तरह तशरीफ रखें, प्रोग्राम आगे चलेगा, चूंकि मुझे सफर करना है, वक्त महदूद है, इसलिए मैं उठकर जाऊंगा, कोई साहब भी मेरे पीछे उठकर नहीं आएंगे, पूरा मजमा इसका वादा कर रहा है। आवाज नहीं आ रही पूरा, हाँ, इस वक्त मुसाफा नहीं करेंगे, उठकर आएंगे तो गुनहगार होंगे, कोई साहब भी उठकर नहीं आएंगे, आप इसी तरह जमकर बैठे रहेंगे, प्रोग्राम इंशाल्लाह आगे चलता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छी बात।